बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत फतेहपुर में एक अनूठी चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ पर ना तो किसी मकान का ताला टूटा और ना ही किसी चोर ने बैग उड़ाया और ना ही किसी की जेब से पैसे काटे गए हैं। दरअसल यहाँ चोरी हुई है तो वो रोड हुई है जो कि 2 वर्ष पहले ही स्वीकृत हुई थी, जिसकी लागत करीब 21 लाख रुपये थी, लेकिन अब ना तो यहाँ पर सीमेंट रोड है और ना ही कोई फाइल है। इसी क्रम में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत फतेहपुर के रैपुरा से खेतों में जाने वाले मार्ग की चोरी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि दो वर्ष पहले 21 लाख रुपए की लागत से पूर्व सरपंच ने इसे स्वीकृत कराया था, लेकिन जब पंचायत में जाते हैं तो ना ही इस रोड की कोई फाइल नज़र आती है और ना ही रोड नज़र आता है और ना ही किसी प्रकार से मौके पर सड़क का निर्माण कार्य नज़र आ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क चोरी होने का अंदेशा है। जब ग्रामीण फतेहपुर पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां सरपंच पति ग्रामीणों से ही बहस करने लग जाते हैं और साथ ही उन्हें धमकाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब मीडिया का कैमरा चला तो सरपंच के पति के होश ठिकाने पर आ गए और कहने लगे कि जल्द ही रोड बनाने की कार्रवाई करूँगा। अब देखना ये होगा कि यह रोड कब तक बन पाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो फिलहाल देखना पड़ेगा। हमारा रास्ता 2-3 साल से सरपंच लोग बोल रहे कि हाँ सेंक्शन हो गया, तुम्हारा सेंक्शन हो गया, मगर कोई आ नहीं रहे काम करने के लिए और ना ही उनको बोलो तो बोले हाँ अब लगाते ऐसा करते करते साल 2 साल निकाल दिए। अब पैसे कितने सबूत हुए ये तो वो बोल रहे थे, कोई बोले 20 लाख हुए, कभी बोले 25 लाख हुए, मगर हमने कुछ हमारे आँखों से देखा। क्या मामला है आपके इस रोड? मेरा नाम दिलीप रघुनाथ निमोरे है और ये रोड पास हो चुका है, बोले 1 साल से पास हो रहा है, 2 साल से पास हो रहा है, शायद 2 साल से ऐसी। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हमको चलने में फिरने में चले नहीं जाता, पैदल चले नहीं जाता, पशु जा नहीं सकते, ऐसे मतलब कंडीशन हो जाती है पानी के। हो सकता है GPDP में बहुत सारे रोड प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं और जैसे जैसे बजट आता है रोड का काम किया जाता है, और फिर भी इसको हम लोग एक बार चेक करा लेंगे कि वो रोड की स्थिति क्या है। अब ये जो है फतेहपुर पंचायत में है ये, और ये यहाँ पर पंचायत जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। ये रोड सेंक्शन होने में करीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन बस कागजों पर ही है। बार बार जब भी सरपंच के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि पुराने सरपंच का कार्यकाल में था ये, और ये ध्यान देने को तैयार नहीं है। किसान जो मेरे साथ भाई लोग हैं और इनको गुमराह किया गया कि फाइल बन के तैयार है, जारी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो आज मालूम पड़ा ग्राम पंचायत का काश्तकार लोग मेरे भाई लोग आए हैं, तो मैं जाके जिला पंचायत सीओ से बात करूंगा, उनको साथ में लेऊंगा और तत्काल क्लियर एज जारी करके काम चालू करूंगा। गन्ना केली बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों को।